नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। उससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फाइनली देखिए, यहाँ पर जो आज हमने बैंक निफ्टी में जो गिरावट देखी, ये गिरावट देखिए कल से भी ज़्यादा थी। तो कल की जो देखिए जो गिरावट थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। देखिए आज आप जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल देखिए पूरी रेड है, मीन्स यहाँ पर नीचे से कोई बिल्कुल कोई बाइंग भी नहीं आई है। अगर हम पिछले कैंडल से कंपेयर करें तो पिछले कैंडल में देखिए यहाँ पर पीछे बाइंग आई हुई है, नीचे से थोड़े बाउंस बैक जरूर हुई थी, बट आज मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। तो फाइनली अब देखिए, अब बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन से सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक हो सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको देखिए दिखाने जा रहा हूं कि जो यहां पर बैंक निफ्टी में हाई लगा है, लो लगा, पहले इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जो यहां पर आज हाई है वो 32,108 का था और जो लो लगा वो 32,121। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 1000 पॉइंट्स की आज जो है बैंक निफ्टी में मूव देखने को मिली है। तो फाइनली अब देखिए, अब यहां पर ये मैंने वनडे का चार्ट लगाया हुआ है और यहां पर अब जो मेजर ट्रेंड लाइन है, अब बिल्कुल मेजर ट्रेंड लाइन के आसपास आकर बैंक निफ्टी खड़ा है। अब देखिए, इसको अगर बाउंस बैक होना है बैंक निफ्टी को तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है। यहां से मे बी मंडे के सेशन में कोई डोजी बनाए, कोई हैमर कैंडल बनाए या कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल यहां पर बनाए और यहां से बाउंस बैक होना चाहिए अगर इसमें अभी स्ट्रेंथ बची है तो। अगर यहां पर जो यहाँ पर बिग प्लेयर्स यहाँ पर आज एक्टिव थे, कल भी यहाँ पर बिग प्लेयर्स एक्टिव थे, तो वो देखिए वो काफ़ी माल यहाँ पर सेल कर रहे हैं। FII भी माल यहाँ पर सेल कर रहे हैं, DII भी यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन यहाँ पर कट कर रहे हैं। सो इस तरह की मूव जब हमको देखने को मिलती है तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स का हाथ होता है। तो अब देखिए, हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बैंक निफ्टी को जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्कुल परफेक्ट जगह पर खड़ा है बाउंस बैक होने के लिए, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अब ये लेवल देखिए ध्यान से देख लीजिए, 30,900 का लेवल, 30,900 का लेवल अगर हम ब्रेक होता है तो यहां पर हम एक बहुत जबरदस्त गिरावट देखने वाले हैं। वैसे मैं उम्मीद ऐसा नहीं करता हूं कि ब्रेक हो, बट यहां पर देखिए मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो यहाँ पर हम 29,500 का लेवल भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 29,500 का लेवल हम देखेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिएगा। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर आपने तो इतना बोला था बट इतना नहीं हुआ। तो मैं देखिए, मैं आपको ये शर्त बता रहा हूँ कि अगर 31,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, मीन्स जो ये हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है और ये जो हमारे पास सपोर्ट है, मीन्स ये देखिए ये पिछला प्रीवियस लो है, तो ये प्रीवियस स्विंग लो है, यहाँ से बाउंस बैक हुआ था। तो अब मे भी देखिए यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए, ये पूरी उम्मीद है कि होनी चाहिए। बट अगर मैं इस कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई और ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया तो हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट 29,500 के लिए जाने वाले हैं अगर 31,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो गैप है ये 1500 पॉइंट्स का है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 1500 पॉइंट्स के लिए मैं यहाँ पर पोजिशन अवश्य बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में चल के देखते हैं कि आज मार्केट में किस तरह से बिकवाली हुई और मंडे के सेशन में हमको कौन से सपोर्ट हमारे लिए काम कर सकते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में अब मैं आप लोगों को एनालिसिस करके बताऊंगा आज के लिए और मंडे के सेशन के लिए। तो फाइनली यहां पर देखिए, जो आज जो कैंडल ओपन हुई 9:15 की, तो ओपन होने के साथ ही इसने जो है कंटिन्यू नीचे की तरफ का रुख किया। मींस यहां पर देखिए, ये जो ओपन हुई थी कल का जो डे लो लगा हुआ था वो 31,990 के आसपास था। मींस यहां पर जो ओपन जो हुई थी, ओपन तो ये ऊपर हुई है बट यहां से पिछले लो के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए था, बट यहां पर सपोर्ट नहीं लिया क्योंकि यहां पर वीकनेस बहुत ज्यादा थी बैंक निफ्टी में। सो जब यहां पर लेवल ये ब्रेक हुआ, कौन सा लेवल ब्रेक हुआ, ये जो प्रीवियस डे का जो लो था जहां पर बैंक निफ्टी ने कल लो लगाया था, कल जो लास्ट की कैंडल थी 3:15 की, तो उसको जब लेवल को ब्रेक किया तो यहां पर देखिए बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट यहां तक तो जाने वाली है। ये जो लेवल था देखिए 31,650 के आसपास, 31,650 के बाद हमारा 31,500 का लेवल था। ये चार्ट मैं आप लोगों को कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर रहा था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहां पर देखिए, अब हम थोड़ा लॉन्ग, अब चार्ट को छोटा कर लेंगे और थोड़ा यहां पर लॉन्ग लेकर चलेंगे। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर दूसरा ट्रेंड लाइन मैं आप लोगों को ड्रॉ करके यहाँ से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होते हैं, मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीकनेस है इसलिए ये ब्रेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास देखिए, एक तो लेवल ये था, दूसरा लेवल देखिए, मैं एक मिनट मैं आप लोगों को ये फ्रेश लेवल बता देता हूँ जो यहाँ से हमको देखने को मिला था। तो ये लेवल है,
यहाँ देखिए, अब मैंने 31,500 के आसपास भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है अगर 31,650 का लेवल ब्रेक होता है। सो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में वीकनेस बहुत ज्यादा थी और कंटिन्यू यहाँ पर लेवल ब्रेक होते चले गए और यहाँ पर हम नीचे गिरते चले गए। देखिए ऐसा कब होता है, जब यहाँ पर बड़े प्लेयर्स यहाँ पर गेम करते हैं तब कोई लेवल काम नहीं करते आपके, तब कोई सपोर्ट काम नहीं करता, तब कोई रजिस्टेंस काम नहीं करता। सो यहाँ पर देखिए बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है। अब यहाँ पर देखिए हम गैप डाउन ओपन अगर हो सकते हैं, देखिए मंडे के सेशन में गैप डाउन ओपन हो और 31,000 के आसपास यहाँ पर अगर हम आए तो 31,000 के आसपास देखिए मे भी यहाँ पर बाउंस बैक हो सकता है। दूसरा अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक देखिए ये एक राइजिंग फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर बन रहा है जिसको हम डिसेंडिंग चैनल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक डिसेंडिंग चैनल पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अब इंपॉर्टेंट लेवल देखिए कौन सा है, अब यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले जो लो थे वो कंटिन्यू ब्रेक होते चले गए, बट यहाँ पर अब जो लो लगा हुआ है फ्रेश जो लो यहाँ पर लगा 31,150 के आसपास, ये लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मंडे के सेशन में देखिए बैंक निफ्टी यहाँ से इस लेवल यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है और क्लोजिंग जो है हमको चाहिए यहाँ पर, देखिए हमारी क्लोजिंग मस्ट है यहाँ पर 31,450 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए। 31,450 के ऊपर क्लोज होती है तो मे बी हम यहाँ पर देखिए जो लेवल यहाँ पर देखेंगे वो देखेंगे देखिए 32,000 के आसपास। मीन्स यहाँ पर एक अच्छी तेजी आ सकती है अगर हम 31,450 के ऊपर क्लोज होने में सफल रहे। बट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई, अब देखिए मैं आपको दूसरा सिनेरियो बता देता हूँ, थोड़ा चार्ट में आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूं। अब देखिए मैं बड़े टाइम फ्रेम में आ गया हूं। अब यहां देखिए ये 31,000 का लेवल है, अगर 31,000 का यहां पर देखिए गैप डाउन ओपन होता है, देखिए मैं तीनों सिनेरियो बता देता हूं को, फ्लैट ओपनिंग में क्या करना है, गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है। अगर मान लीजिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये गैप डाउन ओपनिंग 31,000 के नीचे हो गई, सबसे बड़ी बात है कि 31,000 के ऊपर ही अगर गैप डाउन ओपन भी हो तो 31,000 के ऊपर हो, बट अगर 31,000 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होगी तो वहां से हम कंटिन्यू गिरना चालू कर देंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो ये देखिए मार्केट में जो चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। 31,000 के नीचे अगर हम गैप डाउन ओपन हो गए तो वहां से हम कंटिन्यू नीचे गिरना चालू कर देंगे। अब चलिए चलते हैं हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में और मैं आपको समझाता हूँ कि बाइंग में किस तरह से करना है। अब देखिए बाइंग जो हमको यहाँ पर करनी है वो 31,450 की क्लोजिंग के ऊपर ही करनी है। लेवल ध्यान से सुन लीजिए, विदाउट लेवल ट्रेड मत करिए, अगर विदाउट लेवल ट्रेड करेंगे तो आप यहां पर फंस सकते हैं। बट मेरे को यहां पर ऐसा लगता है कि 31,450 के ऊपर मार्केट निकलेगी अब, क्योंकि मार्केट में देखिए ज्यादा करेक्शन आ चुकी है, बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है। सो यहां पर एक बाइंग आनी बनती है। सो अगर 31,450 के ऊपर निकलता है और सस्टेन हो जाता है तो आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं, आप यहां पर 31,500 की कॉल लेके चल सकते हैं या फिर यहां पर आप पुट सेल कर सकते हैं 31,000 का। तो अगर आप राइटर हैं तो 31,000 का पुट सेल करके चल सकते हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो 31,500 की कॉल बाय करके यहां पर चल सकते हैं। किस कंडीशन में 31,450 के ऊपर क्लोज हो जाए तब हम यहां पर बाइंग के लिए जाएंगे। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो टारगेट होगा 31,690 का, दूसरा टारगेट होगा हमारा 31,860 का और तीसरा टारगेट जो होगा वो हमारा होगा 32,000 के आसपास। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर ये जो डिसेंडिंग चैनल है जो यहां पर फॉलिंग वेज बना हुआ है मे बी यहां पर अभी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए अब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं वो किस तरह से, कौन से सपोर्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी हम चल के चर्चा करते हैं। तो चलिए फाइनली अब हम आ गए यहां पर बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनमें। देखिए मैं निफ्टी की वीडियो में आप लोगों को दूसरी बना के दे दूंगा, उसमें निफ्टी निफ्टी की एनालिसिस करके बता दूंगा और उसमें निफ्टी में जो भी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सब की एनालिसिस करके बता दूंगा। उसके लिए मैं जो है सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर मतलब लोग मुझे कमेंट करते हैं सर बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी की भी एनालिसिस करके बताइए। सो यहाँ पर देखिए वीकेंड है, सो मेरे पास यहाँ पर अभी टाइम है, कोई इशू नहीं है। अभी बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की वीडियो बना रहा हूँ और इसके बाद जो मैं वीडियो पोस्ट करूँगा वो निफ्टी की होगी, उसमें निफ्टी की प्रॉपर एनालिसिस मैं करके बताऊंगा और निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं सबके बारे में मैं आप लोगों का एनालिसिस करके बताऊंगा। तो फाइनली यहां पर देखिए जो ट्रेंड लाइन हमने यहां पर ड्रॉ करके रखी हुई है अब इस ट्रेंड लाइन के आसपास है। तो देखिए अब यहां पर इसके बाद दो सपोर्ट है, एक तो यहां पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो मैंने रेड कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, दूसरा देखिए अब ये जो रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये फर्स्ट टाइम यहां पर सपोर्ट पर आ रहा है। सो यहां पर एक्सिस बैंक में यहां से बाउंस बैक हो सकता है 637 के। अब हमको देखिए मंडे के सेशन में यहां पर ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, मंडे के सेशन में हमको यहां पर वेट करना है कोई डोजी कैंडल बनने का, मींस यहां पर मार्केट सस्टेन हो और यहां पर कोई रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो फिर ऊपर के लिए हम बाइंग के लिए जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए फाइनली ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था, सॉरी कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, कल मेरी मीटिंग थी डेवलपर्स के साथ और कोडर्स के साथ तो मैं कल वहाँ पर बिजी हो गया था, सो आप लोगों को ये वीडियो बना के दे नहीं पाया। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा क्लियर कट एक व्यू था जो इसने कल ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था। तो एक ये जो रेड सॉरी ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाई है, यहाँ पर हमारा इसको बिल्कुल सेलिंग करने का ही कल व्यू था, इसमें 335 के नीचे अगर निकलता तो हम यहाँ पर क्लियर कट सेल के लिए जाने वाले थे। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी बंधन बैंक के रिगार्ड
रिगार्डिंग कि यहाँ पर अगर देखिए 380 का लेवल ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर 335 का लेवल जरूर देखेंगे। तो 380 का लेवल ब्रेक हुआ और हमने 335 का भी लेवल देखा, और आज का देखिए जो लो लगा हुआ है वो 311 का लगा हुआ है। अब मंडे के सेशन में क्या करना है, यहाँ पर 313 के नीचे निकलता है, सॉरी इसका जो लो है वो लो 311 का है, तो यहाँ पर 310 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर हम जो अगला टारगेट देखेंगे वो 300 का देखेंगे, और 290 285 का हमारा अगला टारगेट होगा इंट्राडे का। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक देखिए कंटिन्यू अभी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में आ चुका है, मे बी अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्लोजिंग जो है कुछ नीचे की तरफ आ चुकी है। देखिए यहाँ पर एक रेंज बनी थी और रेंज के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, बट ब्रेकआउट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फाइनली देखिए नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर देखिए HDFC बैंक में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है मंडे के सेशन में, अगर ये 1440 के नीचे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है, 1440 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो हमारा टारगेट यहाँ पर 1425 का और 1410 का होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर गैप डाउन, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो वहाँ पर प्राइस एक्शन बनने का वेट करिएगा, उसके बाद लो ब्रेक करता है तब वहाँ पर ट्रेड करिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक के लिए देखिए अभी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर अपने सपोर्ट के आसपास बिल्कुल आ चुका है। देखिए मैं इसको नीचे यहाँ पर लाकर बिल्कुल इसके सपोर्ट लेवल के आसपास रख देता हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही कहीं ट्रेड कर रहा है, अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है मीन्स ये सपोर्ट लेवल और ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर दो सपोर्ट हैं, अगर ये दोनों सपोर्ट ब्रेक हो गए तो हम यहाँ पर जो टारगेट देखेंगे वो 485 का और 470 का लेवल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लेवल ब्रेक होने दीजिए, क्लोजिंग नीचे आने दीजिए, 525 के नीचे क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर सेल करिए इसको। ICICI बैंक को मंडे के सेशन में अभी कुछ भी नहीं करना है, मंडे के सेशन देखिए मे भी यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकता है क्योंकि स्टॉक जो है काफ़ी गिर चुके हैं दो दिनों से, बैंक निफ्टी भी काफ़ी गिर चुकी है, सो यहाँ पर इसको सस्टेन होना पड़ेगा, सस्टेन होगा उसके बाद अपनी दिशा तय करेगा कि उसको डायरेक्शन इसको जो है सेटल करना पड़ेगा कि ऊपर की तरफ जाना है कि नीचे की तरफ जाना है। सो मंडे के सेशन में पहले 10 बजे तक ट्रेड मत करिएगा, 10 बजे के बाद ट्रेड करिएगा। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में चार्ट पोस्ट करूंगा 10 बजे के बाद करूंगा, बिकॉज जो है 10 बजे के पहले ट्रेड लेना मंडे के सेशन में रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक की अब देखिए यहाँ पर जो हमने रेड कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, अब फाइनली इसके सपोर्ट के आसपास कहीं आ चुका है। अब मैं आप लोगों को एक लेवल बता देता हूँ, ये जो सपोर्ट है इसका, ये सपोर्ट देखिए 880 के आसपास है, तो 880 का लेवल जब तक हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं रेड कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर तब तक हम यहाँ पर बुलिश हैं, कोई वो नहीं है कि मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। बट अगर हम एक बार हम 880 के नीचे क्लोज हो गए, 880 के नीचे क्लोज होने के बाद अगर हमने कंटिन्यू सस्टेन कर गए और नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया तो ये जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है हम इसके आसपास कहीं इंडसइंड बैंक को देखेंगे। टारगेट हमारा होगा यहाँ पर 820 का, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, 880 का लेवल ब्रेक हो गया तो यहाँ पर क्लियर कट टारगेट जो है 820 का हमको यहाँ मिलने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक देखिए फाइनली धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। अब ये जो सपोर्ट है देखिए ये पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, सपोर्ट बना, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर बाउंस बैक हुआ है, अब ये दूसरी बार यहाँ पर आ रहा है, अगर इसमें स्ट्रेंथ होगी तो यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए, बट अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, 1800 के नीचे की क्लोजिंग आ गई तो कोटक महिंद्रा बैंक में हम एक बहुत बड़ी मंदी देख सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक में हम एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देख सकते हैं अगर ये 1800 के नीचे क्लोज हो गया। देखिए उस डाउनफॉल में हमारा जो टारगेट होगा वो 1725 का होगा और दूसरा टारगेट 1600 का होगा, तो कोटक बैंक पे नजर बनाकर रखिएगा, कोटक बैंक में एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा RBL बैंक। तो RBL बैंक देखिए कंटिन्यू अपना, ये देखिए यहां पर जो सपोर्ट यहां ब्रेक हुआ था, देखिए कल मैंने आपको यहां बताना था सेलिंग के लिए, क्योंकि यहां पर देखिए जो कैंडल यहां पर बनी हुई है बिल्कुल ध्यान से देखें तो ये आपको शूटिंग स्टार कैंडल दिखेगी और यहां पर बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। तो शूटिंग स्टार कैंडल देखिए एक बेयरिश साइन होता है, सो यहां पर हमको जो आज सेलिंग करनी थी वो 247 रुपए के नीचे करनी थी, और देखिए यहां जो लो लगा है 228 का लगा है। अब मंडे के सेशन में देखिए क्या करना है, अब यहां पर भी देखिए 227 के आसपास इसको एक सपोर्ट है, अब ये मंडे के सेशन में अगर 227 का लेवल ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा। इस ट्रेंड लाइन का लेवल मैं आपको बता देता हूं, ये लेवल है 215 के आसपास, तो अगर यहां पर देखिए 225 227 का लेवल ब्रेक होता है तो 215 का टारगेट हमको यहां पर बिल्कुल क्लियर कट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा स्टॉक था जो कंटिन्यू ऊपर चलता चले जा रहा था, अब यहाँ पर देखिए क्या बना, यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न बना, मींस असेंडिंग चैनल पैटर्न बना, असेंडिंग चैनल पैटर्न का यहाँ पर फाइनली अब ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है सॉरी। तो अब यहाँ पर देखिए अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है ये प्रीवियस स्विंग लो। अब ये स्विंग लो देखिए जो इसका जो लेवल है 277, मीन्स आप यहाँ पर 277 के ऊपर जब तक हैं तब तक हमको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, अगर पोजीशन भी है तब भी कोई बात नहीं, अगर हम 277 275 के नीचे क्लोज हो गए तो यहाँ पर एक बहुत तेज गिरावट आ सकती है। देखिए मैं आप लोगों को सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ कि देखिए
चीजें जो होती हैं सेम काम करती हैं, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक हो। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को चीजें समझा दूँ। चलिए अब पहले आप ये पैटर्न देख लीजिए, ये जो असेंडिंग चैनल बना हुआ है, राइजिंग वेज जो बना हुआ है, ये पैटर्न देखिए। अब मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी में लेकर चलता हूँ और बैंक निफ्टी में अब मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब सेम पैटर्न आपको जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर भी देखिए ये असेंडिंग चैनल पैटर्न पहले बना था और जब असेंडिंग चैनल पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ, देखिए ये जो चैनल होते हैं ये जो पैटर्न होते हैं इनका जब ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ आती है या ऊपर की तरफ जाती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जो पैटर्न स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असेंडिंग चैनल बना हुआ है वही पैटर्न बैंक निफ्टी में बना था और आपने यहाँ पर देख लिया रिजल्ट क्या मिला यहाँ पर। ठीक है कि जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरता है। अगर ये प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर दे तो, जैसे देखिए ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो था और ये प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हुआ और फाइनली देखिए हम नीचे की तरफ कंटिन्यू गिरते चले गए। अब चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट में चलते हैं। अब यहां पर देखिए यहां पर भी सेम है, राइजिंग वेज पैटर्न है, असेंडिंग चैनल पैटर्न है और ये जो है कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये प्रीवियस लो ये है हमारा 277 का, अगर 277 के नीचे हम अगर ब्रेक हो गए तो हम यहां पर 250 और यहां पर 230 का लेवल बहुत जल्दी देखेंगे और ये जो टारगेट है हमको बहुत तेजी से मिलेगा। मे बी यहां पर देखिए नेक्स्ट वीक में हमको ये टारगेट मिल जाए अगर हम इसके नीचे ब्रेक हो गए। 277 के नीचे अगर हम क्लोज हो गए तो हमको 250 और 230 का जो टारगेट है वो 203 दिन के अंदर हमको देखने को मिल जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर करिए और दूसरा अगर आप हमारे साथ इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप अलाइस ब्लू में या फिर एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको हमारे इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ पर मैं 3-4 कॉलें डेली अपनी ऑप्शन की मैं देता हूँ। सो अगर आप चाहते हैं फ्री में कॉल लेना, जी देखिए प्रीमियम सर्विस है ये, 10,000 रुपीज़ की इसकी कॉस्टिंग है, बट अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ये 10,000 रुपीज़ की कॉस्टिंग कुछ भी नहीं देनी पड़ेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पर कॉल्स मिलेंगी। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।